सेशन में आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ घेरदार सलवार की कटिंग। ये हमने 3 मीटर का कपड़ा लिया है, 3 मीटर कपड़े में बहुत ही अच्छी घेरदार पटियाला सलवार बनाना सिखाऊंगी आज मैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। ये हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमें खोल लेना है। ये हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हमें इस सलवार की लंबाई नापनी है। ये हमारी 7 इंच की बेल्ट तैयार है, इसके लिए हमें 7.5 इंच ऊपर की ओर निकालना है। ये हमारी बेल्ट के लिए निकाला गया है। अब हमें सलवार की लंबाई नापनी है। हमारी सलवार की लंबाई है 37 इंच। अब हमें यहाँ पर निशान लगाना है और ये कपड़ा जो हमें अलग कर देना है। ये हमने इसकी लेंथ नाप ली है सलवार की। अब हमें सलवार के निशान लगाने हैं। देखिए इधर की तरफ हमें 6 इंच के पार्ट लेने हैं और हम इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है, ये हमने 6 इंच के फोल्ड किए हैं, ये हमारे 12 इंच के पार्ट हो गए हैं। अब हमें यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और जो दूसरी तरफ निशान लगाना है हमें वहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है। देखिए हमने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया है। अब हम यहाँ से इंच टेप पकड़ेंगे, इन निशान से मिला देंगे। इस तरीके से हमें टेप को मिलाना है और यहाँ पर निशान लगा देने हैं। ये मिला दिए हमने। हमें इसका आसन नापना है। हमारे आसन की लंबाई है 9 इंच। इसी तरह हमें दूसरी तरफ निशान लगाना है। ये हमारे सलवार के निशान लग चुके हैं। हम इस सलवार की कटिंग कर लेंगे। सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा ये बंद साइड है ये हमें खोल लेना है। देखिए हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है हमने। इस तरीके से हमें सलवार को काटना है। ये जो हमारे पार्ट हैं यहाँ पर जोड़ने हैं हमें सिलाई करते समय।
इस तरीके से रखने हैं, वो हमारी बेल्ट है ये वाली, ये हमारी कली है दोनों, ये पार्ट है। हम इनकी सिलाई बहुत ही आसान तरीके से करनी कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।